देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग ने इलेक्शन का डिक्लेरेशन किया, वैसे ही ये आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रवर्तन में आ गई और हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर लगभग सभी प्राइवेट और सार्वजनिक स्थलों पे जो पोस्टर थे उनको हटाने का काम किया, जो वॉल राइटिंग्स थे उनको हटाने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है, जो बचे हैं शेष उनको किया जा रहा है और 21 बैरियर्स हमारे एकदम 24 आवर्स चालू हो गए हैं। 18 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें एक्टिव हो गई हैं, वो पूरे अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं पुलिस फोर्स के साथ। जो एमसीसी का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। 2 एमसीसी के वायलेशन की सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमारे जनपद में कुल 118 मजरे वनरेबल चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो कारक हैं 252 व्यक्ति हैं, उनको चिन्हित करके सभी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 168 सेंसिटिव पोलिंग सेंटर्स अभी तक चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पूरा हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो पिछले चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जो अब तक के इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं उसमें तैयार कर लिया गया है। इसमें जो हम पुलिस बल एक्स्ट्रा की मांग करेंगे उसमें 14 इंस्पेक्टर्स, 657 सब इंस्पेक्टर्स और 458 हेड कांस्टेबल्स और 5,970 कांस्टेबल्स और 100 कंपनी सीएपीएफ के रुकने के स्थानों का चिन्हीकरण हो गया है। 2 बीएसएफ की कंपनी शीघ्र ही आने वाली है, 1-2 दिन में, जो एरिया डोमिनेशन का काम करेंगी। समस्त एरिया को जितने भी हमारे अधिकारी थे अपने क्षेत्र में सारे पोलिंग सेंटर्स को भ्रमण लगभग कर लिए हैं और अभी भी लगातार उनके भ्रमण करने की कार्रवाई चल रही है। एक कम्युनिकेशन प्लान हर पोलिंग सेंटर का तैयार कर लिया गया है कि अगर कहीं पे कोई सूचना इकट्ठा की हो तो हर पोलिंग सेंटर के आसपास के 10 लोगों के मोबाइल नंबर, उनके नाम, जो पुलिस के व्यक्ति होंगे वो सूचना देने के लिए तैयार रहेंगे। कहीं भी कोई किसी भी प्रकार से एमसीसी का वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा और कहीं भी अगर कोई वायलेशन करने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई होगी। अब तक प्रिवेंटिव एक्शंस में अवैध शराब को रोकने की कार्रवाई हो रही है। 6,000 लीटर शराब अब तक रिकवर हो चुकी है। 5 शस्त्र फैक्ट्रियां बरामद की जा चुकी हैं और यही एक महीने के अंदर 290 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। हमारे जो जनपद के लगभग 17,000 लाइसेंसी हैं उनमें से 3,500 लाइसेंसी जो शस्त्र हैं नियमानुसार उनको जमा कराए जा चुके हैं और लगातार ऐसे व्यक्ति ताकि लाइसेंसी शस्त्रों का कहीं दुरुपयोग ना हो सके उनको चिन्हित करके उनके जमा कराने की नियमानुसार कार्रवाई प्रचलन में है। पूरी तरीके से जनपद बदायूं में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए पुलिस तैयार है, लगातार भ्रमणशील हैं, लगातार अधिकारियों की ब्रीफिंग की जा रही है और सभी हम लोग जनता के साथ मिल करके अधिक से अधिक भयमुक्त वातावरण में वोट डालने के लिए उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि अपने सेंटर पे, पोलिंग सेंटर पे समय से पूरे भयमुक्त वातावरण में लोग पहुँचें और वोट डालें। पूरी तरीके से तटस्थ तरीके से जनपद बदायूं में ये आगामी विधानसभा के चुनाव संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उस तरीके की कार्रवाई की जा रही है।